मिल जी गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, सो लेट्स गो, लेट्स गेट टू मुंबई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, मुझे आज चीज दिखानी है, ये देखिए, हम देख रहे हैं ये थोड़ा आज पे हल्के आज पे कितना सारा पानी भरा हुआ है ना, नीचे इतना नहीं भरा लेकिन भरा हुआ है यार। अभी अभी क्या हुआ है, इतनी तेज फजर के टाइम 5-4 बजे तक बारिश होने लग गई, 7-6 बजे सुबह सुबह बारिश होने लग गई, इतनी तेज। और उससे क्या हुआ कि ना बादल ने गिर गया, और अभी आप देख सकते हैं पूरी धूप भर चुकी है यार, सारे बादल चले जा गए हैं, बस धूप भर चुके। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि आज रात को मेरी है कजिन की मेहंदी, और इसके लिए आज की मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और अच्छे स्कूल की भी छुट्टी हो चुकी है, मुझे आज स्कूल जाना था आज ट्यूजडे, और इसलिए छुट्टी हो गई, और 7 बजे तक भी हुई थी इसलिए बहुत तेज़ हुई थी, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और फिर आज है मेरी कज़न की मेहंदी, और आज बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँगी। और उनका पहले निकाह तो हो चुका था, मैं गई थी, लेकिन अब उनके पास है मेहंदी, तो आज है मेहंदी, फिर जुमरात को है बारात, फिर है वलीमा आखिरी फंक्शन हफ्ते को। सो आज 27 है, तो आज है मेहंदी और बहुत मज़ा आने वाला है आज, तो लेट्स गो, क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्ट। और हमने इन लोगों ने ना सेटअप करवाया है, और सेटअप की वजह से यार आप सोच सकते हैं सारा पानी ऊपर आ जाएगा, इसलिए अगर बारिश हो गई चार्ज फुल दे लेना। मैं सोचा था मैं सुकून था आज का दिन गुजारूंगी, बट लाइट वाइट चली गई यार, और मौसम का हाल बहुत बुरा हो रहा है अभी, क्योंकि ना बारिश तो ख़त्म हो गई है बट बादल हैं अभी थोड़े है, और धूप भी थोड़ी बहुत निकल चुकी है, हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और मैं अब सब सो रहा हूँ, मतलब दोबारा हो गया, अल्लाह ना करो, वरना आज मेहंदी का फंक्शन हो जाएगा कैंसिल। हमारे बाबा भी ड्यूटी पर ना, लोगों को ना जनरेटर चलाना आता भी नहीं है, इसलिए भी पता नहीं कैसे हो रही है आज ही होना, तो इलेक्ट्रिशियन में बहुत हुआ है यार, हमको भी सूट कैसे देखूँगी इधर ही, तो इतनी तेज थी, गर्मी भी हो रही है साथ में, और अंधेरा खुद हो रहा है, और बादलों की वजह से थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, वरना रोशनी भी दिखा रहा है। ये मेरा सूट, ये गाइस मेरा है लहंगा पूरा, उसके साथ ये है मेरी शर्ट, ये जो है ना ये कलरफुल सब, ये मेरा लहंगा है, उसके साथ ये शर्ट है पर्पल कलर की, और ये आई थिंक हाँ कल शाम को ही आया है, कल हमने सुनने के लिए भेजा हुआ था ना, और आया है ये, और ये मम्मा और अप्पो का सूट है, मम्मा का इस अप्पो का, और अलिश भाई का ये आज पहने की, और अलिश भाई ये शर्ट, ये अप्पा और मम्मा का दुपट्टा है, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ताला बस हो जाए भी किसी भी तरीके से। मैंने तो प्यारा गाइस शरारा सिलवाया है, नीचे से छोटी कमीज, और वो प्यारा लगने वाला है, तो मैं दुपट्टा भी सिलवाया है, मतलब ना जो लहंगा टाइप का सिलवाया, और लहंगा है अपना बड़ा सा शरारा, और बहुत प्यारे लगा हुआ उसमें, मैं सोच रही हूँ मैं शरारा सिलवाऊँ, तो आई रियली लाइक ए शरारा एंड लहंगा मिक्स है, तो आज मैं वही पहनने वाली हूँ, मैं दुआ करें कि बारिश वारिश भी ना हो, लाइट हो जाए, ताकि सीरियसली सब कुछ हो जाए यार, पता नहीं क्या लाइट नहीं आएगी, बाबा जब बाबा को झंडू बुलाना पड़ेगा, फिर झंडे भी चलाना पड़ेगा, लाइट उठाती तो कुछ अच्छा चार्जिंग भी है फोन में 89 है। थोड़ी हवा तो आए ना, जैसे थोड़ी सी हवा आती है, ये इसका नाम है रोशनदान, एंड मेरा रूम टू अवर न्यू हाउस और न्यू बेड एंड हमारी, मैंने होम टूर किया हुआ तो है, हम तो देख रही होगा ये आई रोशनदान हाँ गीज़र एरिया, जब सर्दी आएंगी तो इधर गीज़र हमारा, एंड अभी उधर बैठे हुए विंडो विंडो खोल दी, उससे थोड़ी सी हवा तो आ रही है, पापा को भी कॉल करें जल्दी है, पटवा लेते हैं जनरेटर चलाना, मुझे बहुत गर्मी लगी मम्मा, कोई बात नहीं लग रही है, देखते हैं क्या होता है, घंटा में चलेगा ना, मैंने जैसे जूस वूस बना ली थी, देखती हूँ फिर मुझे जूस पड़ा जो पीती हूँ, देखती हूँ कि जूस मिला है, ओके गाइस मुझे बहुत मजे मजे की चीज़ें मिली हैं, इधर नेस बिटा है, नेस बिटा तो दो तो पैन जो लाइक मैरिंडा ठंडी है, हाँ सही है ठंडी है,
पेप्सी कोल्ड ड्रिंक क्या पिए, मैरिंडा पिए या पेप्सी? पेप्सी पीते हैं बहुत गर्मी लगती है, मम्मी को भी आदत है, सब बेहतर होगा। बल्कि रखी पीते पी लेते हम ऐसी चीज़ें रखती रहती रहती हूँ। बस अभी को पता है अगर आपके घर पे बहन भाई होते ना, मेरे घर में तो चार चार हैं, जब बहन ही है तो आप लोगों को हर चीज़ ना उनसे शेयर करके पीनी पड़ती है। एक बार पिलाओ मुझे, मैंने बोला पी ले बहन तू पी ले, नंदू ने बोला मुझे नंबर ले लो बहन और तू सारे पी लो, और खोली पूरी गैस नीचे है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं। अब मैं आई हूँ पीने थोड़ी सी, तो पीते हैं। चार चार बहन होती है ना का घर में, सही गैस की गैस की तो ये गंदी क्यों है, मीठी मीठी है रे, कुछ ब्लैक ढक्कन भी है इसका, कोई और कंपनी की है क्या? शायद एक्सपायर तो नहीं हो गई। नहीं नहीं गाय से जीरो शुगर, मोए 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 मोए, इसलिए जीरो शुगर तो मीठी क्यों लग रही है? आई डोंट लाइक यार, सुबह मिलना सच में कर। लाइट आ गई गाइस, देखिए लाइट वाइट आ चुकी है और अभी हमें नीचे जाना है। नीचे जाके ऐसे हम करेंगे बैठेंगे स्कूल से, जो आता कपड़े भी सिली करने, मेहंदी भी लगवानी है मुझे तो शहर पे। चलिए गाइस मैं नहा हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने इस हाथ की, तो इस हाथ की मेहंदी लगवाते हैं और इसको क्या होता है। चलिए तो भैया अच्छा मेरी मेहंदी लगा रही थी, मेहंदी लगा के आप लोगों को मिलती हूँ। हाँ ये यही ना मसला हो चुका है, ये मेहंदी ना निकल ही नहीं है, इसलिए इतनी गंदी लग रही है। आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, तो ये मेरे हस्बैंड ने लगाई थी वाली भी और इसलिए वाली। चलिए चिकाय से अपनी मेहनत की बात की है मेरी ये स्लाइन मेहंदी, क्या लोग स्क्रीन पर देख रही है, ये है मेरी मेहंदी। कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताएगा। और अभी ना ये लोग कपड़े प्रेस कर रही हैं, बाजी भी आ गई। वाह बाजी कपड़े प्रेस कर रही हैं अपने, जो बाजी ये बाजी का प्यारा सा सूट है जो बाजी आज पहनने वाली हैं। मेहंदी में उनका पीच कलर है, बहुत प्यारा कंट्रास्ट उसका पर्पल पहन की, मेरी भी पर्पल कमीज है और ये मेरा भी शरारा इस्त्री करना है। मेरा शरारा कौन इस्त्री करेगा है, कौन करेगा शरारा इस्त्री भैया? सब सब तरह मेरे को लाइट आई है बट मेरा सूट बहुत हैवी है, मैंने शरारा बनवाया भी है और मैंने इसका सर ट्राउजर है बजी का, ये इन्होंने बक्से से निकाला, इन्होंने शर्ट खिलाई और ये इन्होंने बक्से से निकाला है। यार हम लोग ना हमारी कजन, अगर हम दूर दूर की शादी होती है ना ऐसे, तो हम लोग इस बक्से में इतने कपड़े इतने कपड़े इतने कपड़े शादी होकर हर कपड़ा, लेकिन लेकिन हमारी कजन की शादी इसलिए हमने नए सूट लिए यार, हमने कजन की शादी पर नए सूट लिए थे ना, तब जल्दी से मशीन में कपड़े सी कर दें। 5 बज चुके हैं अभी, आपको भी ऑफिस से आई थी वो तो उसमें मेकअप लेने गई थी ऑफिस के वापसी में ना है, तो वो लेकर आएगी कब मेकअप वेकअप वो देखेंगे मेकअप करेंगे। मैं अनंता का सूट भी लाना अभी तक आया नहीं है टेलर के पास से, तो ऐसे में मेरी टेलर नहीं मेरी कज़न कोई दोस्त थी तो वो सीती थी, तो उन्होंने अच्छे से बैठा था। मेरी कज़न अभी देना नहीं है, उनका नाम है इकरा पाटिल, इकरा इनका नाम, तो मेरी एक और मामू की बेटी है और मेरी मामू की बेटी की शादी हो रही है और दूसरे मामू की बेटी है जो हमें कपड़े देना आनी है अभी, तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो। अभी मैं तो दरवाज़ा खोलने वाली हूँ, देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर ना तो मम्मा के स्ट्रेटनर कर रही हूँ और जो भी होगा मैं आपको शेयर करूँगी, सो लेट्स गो। गाइस ये मैं शरारी की शर्ट जो उन बजे भी प्रेस कर रही है इसको और पता नहीं है कैसी होगी, नहीं नहीं मैं देख। और ये है इन लोगों का और ये है मेरा शरारा पूरा, आपको दिखाते हैं खुश लग ना जाए बस मेरी मेहंदी से, मेरी मेहंदी लगे बच्चे दे रहे थे। ओह गॉड ये हो रहा है पोका स्त्री और गाइस इसमें ना ये रेड लग रहा है बट है बिल्कुल ना शॉकिंग पिंक, इसमें रेड लग रहा है। हाँ आज मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो इसमें ये रेड है बट है ये शॉकिंग पिंक एक्चुअली, दिखने देखो रेड लग रहा है बट है ये शॉकिंग पिंक, ये नॉन बज की बेल है। बहुत प्यार प्यार सूट से तुमने लिए, ये मेरे साथ का दुपट्टा है शर्ट का और ये अजबा की शर्ट है जिसके साथ वो पहनेगी, अजबा मेरे पर्पल है। वाह यार गाइस मैं आपको अपना अब टाइम आ गया मैं शरारा दिखाने का आप लोगों को,
ये मेरा शरारा। ओह गॉड, क्रीम लगाना मेरी मेहंदी पे, मेहंदी भी खराब, शरारा, ये शरारा है मेरा कुछ, देख सकते हैं आप, ये देखें पूरा शरारा है। यार दुकानदार ने इतने कम कपड़ा दिया, हाँ जब हम बोले थे ज़्यादा देखें नहीं, नहीं बात सही है, इतना ही लो। ये देखें पूरा शरारा है, वो देख सकते हैं, इस पे येलो अस्तर भी लगा हुआ है साथ में, और ये अजबा मेरा पर्पल है यार दोनों का। ये देखें अजबा की शर्ट है, इसके ऊपर ही पहनेगी, जो होता है ना क्या होता है, ये अजबा की कमीज है साथ ये पहनने वाली की, और ये बहुत प्यारा लगता है एक्चुअली अब्बा ऐसा इसका, और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मैं शरारा सच में यार, उसके साथ की मेरी छोटी शर्ट है जो इस्त्री हो रही है अभी, और सर ये दुपट्टा है मेरा जिस पर बेल बेल भी लगी हुई, कंट्रास्ट हो गया बिल्कुल। हरी कौन चीज, मैं साथ चप्पल जो पहनने वाली हूँ वो ये है, मैं ये खूह से पहनने वाली हूँ, कल लाए थे हम लोग मार्केट से, और ये है अप्पो के खूह से जो वो आज पहनने वाली, अप्पो का है ना अजबा है वाले, ये अप्पो का है खूह से, असल में ना इसका दूसरा डिज़ाइन था गाइस, वो भी बहुत प्यार था, बट मैंने पहन के देखा वो 8 नंबर था, मुझे आई नहीं रहा मेरे, मुझे इतना टाइट हो रहा, फिर गई और दूसरा डिज़ाइन लेकर, एक दूसरा डिज़ाइन मिला इसमें, मुझे पता है 9 आने लग गया साइज, पता नहीं क्यों, मैं इतनी छोटी फेरी मुझे तो बड़े बड़े साइज लग गए, पता नहीं क्यों यार, और अभी मैं गई नहीं हो सकता, फिर ट्रांसलेशन वाली वीडियोज़ बनाती हूँ, मैंने 4 बजे से गुजारा है 6-7 बजे तक, क्योंकि यार लेट ही जाना है मेहंदी ना 9-10 बजे तक, ये सेटअप हुआ है अगर बारिश का नहीं तो सेटअप अलग जगह पे हो गया, क्योंकि ना पहले वाले सेटअप की लोकेशन जो थी ना चेंज हो चुकी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मैदान में पानी नहीं भर गया थी, टाइम ना बीता हो रहा था, इसलिए अब मैं मेहनत लग गया देख रहे, इसलिए उन्होंने सेटअप चेंज कर लिया, बस हमारे घर से बहुत करीब है, दूल्हा दूल्हा से भी करीब है हमारा घर, क्योंकि वह मज़ा आने वाला है सदा जी को, चलिए स्टोरी में जा रही हूँ, असल में ना मुँह धोना है, कपड़े चेंज करना है, और मुझे तार भी होना है, तो मैं आप लोग देखती हूँ सीधा पूरी फुल लुक लेकर, और ये पूरा नीचे तो लिखा है, मैंने पूरा शरारा पहना है, और आज मेरी यार लहंगा टाइप का मुझे पहुंच गया, और अभी हम लोग बस जाएंगे, तो मैं आपको मिलती हूँ उधर पहुंच कर, जब गाड़ी वाड़ी में पहुंचती हूँ, जब जाने लगेगी तब मिलती हूँ, और बिजली जमा के स्टार्ट हो जाएगी, हो गई है और हवा चलना स्टार्ट हो चुकी है, जो कल जैसा हो रहा है बिल्कुल तूफानी हवा चलना शुरू, आफ्टर एट माय डेस्टिनेशन, चल जी गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी देख सकते हैं हवा बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जैसे हम लोग पहुंच कजन, और अभी मेहंदी हो रही है और बारिश हो गई है, सभी इधर डांसिंग शो पे फिर बारिश हो गई है, अरे बहन मुझे भी ला रहे हो, इतनी तेज बारिश हो चुकी है, तो मैं ब्लॉग बनाना होगा तुम्हारे, तो हाँ बारिश का नहीं मेहंदी का, हाँ मेहंदी का नहीं बताया होगा, सबको खड़ा किया है क्योंकि जो ज़्यादा बारिश नहीं आ रही ना, इसलिए वही सही रुक गई, बता दो अपने गाइस को कुछ बताना है तो बता दो अपने गाइस को कुछ, क्या होता है यहाँ पे मेहंदी हो रही है और देखते हैं क्या होता है, बहुत तेज हो रही है बारिश मेहंदी में, रिकॉर्ड किया
दिखा दे और पता है ऊपर ना वो जब ऊंचे ऊंचे जो लोग थे ना उनको करके खड़े हो गए थे हमारे ऊपर। गाइस इतनी शदीद की बारिश हो गई थी, वो भी ठंडी ठंडी हो रही थी। उसके बाद फिर हटा दिया, फिर हम टीवी पर जाके बैठे, फिर खाने गए। जिस टाइम आए बोतल वो तो रख रहे थे, खाने रख रहे थे, एकदम से इतनी तेज स्टार्ट हो गई ना बारिश गाइस। फिर हम दोबारा डांस फ्लोर में गए, फिर उसके बाद फिर ऊपर वो कपड़ा लगाया ही नहीं उन लोगों ने। उसके बाद फिर हमें खाना खाना ना हम उधर खड़े होकर खाना खाना पड़ा। और गाइस उधर उधर ना उधर भी बारिश आ रही थी, इतनी बारिश आ रही थी। मतलब मेरे जो बड़े बड़े कजन थे जो लड़के थे वो लोग तो, मेरे बाबा भी सब सब खा रहे थे। मैं भी खा रही थी, पता नहीं मजे के तहली भी इतनी मजे की थी। सब भाग रहे, मेरे पूरे खानदान वाले सब भाग रहे हैं उधर। एंड ऊपर ना बिल्कुल छत थी, मतलब ऊपर हल्का सा बिल्कुल स्टैंड नहीं लगा हुआ था, ऊपर बिल्कुल आसमान था। और हमने तो मुश्किल से खाना खाया, मैं हली नहीं, उसमें पूरा पानी भर गया, पुलाव ही उसमें पूरा पानी भर गया। मैं बोला क्या करूँ मैं। फिर हमने घर आके मैंगोस खाए थे, मतलब आम खाए थे, क्योंकि यार हमें 3 बजे तो आए थे, कुछ मिल नहीं रहा था, ऊपर देखा कुछ मिल नहीं रहा था। इसलिए अब आज हमें कल हमें जाना है बारात में, क्योंकि एक दिन छोड़ के गैप है ना। तो आज जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और So let's go. इसलिए गाइस मैं बनाने वाली हूँ डब्बा ब्लॉग ऐसा, शायद कि मेरी कजन की शादी है। और अब कोई कॉल गुड न्यूज़ देनी है मुझे कि आज रात को हमें जाना है रज के में, कल कैंसिल हो गए थे बिल्कुल, उनकी मेहंदी कैंसिल हो गई थी बेचारी के, पूरे ना मतलब क्या होगा तो आप लोगों को पता है, बारिश हो गई थी, इसलिए जो भी डांस परफॉर्मेंस थी वो पोस्टपोन हो गई है, पोस्टपोन मतलब आज हो गई। तो आज है रज का, और मम्मा सब हम लोग सब जाएंगे, और मेरी जो बहन, मेरी मम्मा और मेरी बहन बड़ी वाली वो लोग वापस आ जाएंगे घर 12 बजे, तो फिर हम लोग रुकेंगे पूरी रात तो, और फिर सुबह आ जाएंगे। और बहुत मज़ा आएगा, घर की छुट्टी भी कर लूँगी स्कूल की यार, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर की यार शादी चल रही है, और बहुत मज़ा आने वाला है आज। सो रज में भी जाएंगे, सो बहुत मज़ा आने वाला है रज में जाने में। तो अभी मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या पहनना है, मतलब कोई पुराने लगा के पहनना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या क्या पहने। इन लोगों के पास सिल्क वाली फ्रॉक्स हैं जिन लोगों ने मतलब बहुत प्यारी हैं, उनके पास नहीं रखी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ शलवार कमीज है ना, तो देखती हूँ नीचे ऊपर जाकर। एक है मेरे पास येलो कलर का, वो प्यारा है, वो माइयों उसके हिसाब से है। अलग कुछ ये है गाइस। चल जी गाइस, तो अभी असल में हम लोग रेडी होने आ गए, क्योंकि यार 9 बज रहे हैं और हमें रज के में जाना है। तो अभी ना मैं अपने कपड़े निकाले और वो फ्रेश भी हो गए, निकाले किए। ये देखिए मैं पहनने वाली हूँ ये शर्ट है मेरी एक, उसके साथ ये है पजामा, फिर ये ऊपर से अपर है इसका, और ये बहुत प्यारा सा है, बट कंफर्टेबल भी है। अगर मैं रुकना पड़ेगा रख जगह में तो प्यारा लगेगा, इसमें बेल्ट भी लगी हुई थी, अभी देख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो हम लोग जल्दी से इसको चेंज करते हैं, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ तैयार होके। चलिए गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं आप लोगों को अपने फुल लुक दिखाती हूँ। गाइस ये है मेरी फुल लुक, तो अभी हम लोग रेडी हो चलते हैं। करने वाले
और गाइस कल मैं मेरे बाल छुट्टी कर रही हूँ, मेरी बहन भी ऑफिस छुट्टी कर रही है। कल है जुमरात और कल मैं स्कूल की छुट्टी करूँगी। छुट्टियाँ छुट्टियाँ हो रही हैं और अभी ना 3:30 बज चुके हैं। कंटिन्यूटली बारिश ही हो रही है और पता नहीं क्यों हो रही है बारिश कंटिन्यूटली। और कल का व्लॉग बहुत 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 अच्छा होने वाला है क्योंकि कल हम लोग मेरी कजन सिस्टर की कल है, यू नो गाइस, बरात। एंड बहुत मजा आने वाले हैं उनकी बरात है और मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। और कल मैं क्या पहनने वाली हूँ वो तो कल आप लोगों को सुबह या शाम जब जब मेरे कपड़े इस्त्री करिए मेरी बहन मतलब, तो जब ही पता चलेगा आप लोगों को मैं क्या पहनने वाली हूँ कल। और मैं इतनी ही देर में पिंक कलर कुछ पहनने वाली हूँ प्यारा सा। और मेरे अभी तक कान में पहनने का वो नहीं आया, तो अभी कल आएगा वो मार्केट से, तो देखते हैं कैसा आता है। और अगर आप लोग ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यार वो बहुत मेहंदी का पूरा कम बना था, बहुत स्लिम बना नहीं पाई, जिससे मैंने आज रज जगह के भी मिक्स कर लिया और इतने भी बना नहीं पाई यार क्लिप्स। मतलब सब होते हैं सारे रिश्तेदार होते हैं उनके सामने कैसे बनाऊँ यार ब्लॉग। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली है मैंने और बहुत मज़ा आया, मैंने इतने गाने गाए, इतना डांस किया मैंने भी। तो अगर आप लोग ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। और आज की लुक और कल की लुक आप लोग को मेरी कैसी लगी मुझे बताएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।